नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 मार्च 2022, और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम फ्रंट पेज पे नज़र डालें तो वही रशिया यूक्रेन जो टेंशन चल रही है उसी को लेकर के ये आर्टिकल है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे बहुत सारे लगभग 800 के लगभग स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक हॉस्टल में फंसे हुए हैं, ठीक है। और वो हॉस्टल लोकेटेड है सुम्मी स्टेट है, वहाँ पर है ना, नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन में लोकेटेड है सुम्मी नाम से। तो वहाँ से वो स्टूडेंट्स ये एफर्ट कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से निकलते हुए वो रशियन बॉर्डर तक पहुँच जाए और वहाँ से फिर बाद में रशिया में एंटर होके और फिर वहाँ से एस्केप कर पाए। पर गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि भाई आप जल्दबाजी मत करो और वहाँ पर जो शेल्टर्स अवेलेबल हैं उन शेल्टर्स में रुके रहो, आपको कैसे भी करके इवैक्यूएट करा लिया जाएगा। अभी तक अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे इंडियंस को जो यूक्रेन में वहाँ सेटल थे उनको निकाला जा चुका है, पर अभी भी 800 से 1000 के लगभग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी फंसे हैं, उनके लिए अभी भी एफर्ट्स गवर्नमेंट को लगाने पड़ रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहीं ना कहीं एक छोटी सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारे लिए कंसर्निंग है, वो हमने देखी। इसके आगे देखें, इसके अलावा पेज नंबर 3 पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ हमें नज़र डालनी ज़रूरी है कि अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने एक चीज़ तो रिकॉग्नाइज करनी शुरू कर दिया, पर वो भी तब की है जब क्राइसिस बहुत ज़्यादा हद से आगे निकल चुका है। वो ये कि हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की कमी है और मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करने की अब बात की जा रही है। इससे पहले अभी तो देखो ये बात कही गई है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, बाकी इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी तरीके के स्टेटमेंट दिए थे कि हमें हमारे देश में ही डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करना है जिससे कि जो डिमांड है हमारे देश में डॉक्टर्स की वो फुलफ़िल की जा सके। इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट को भी और मेडिकल कॉलेजेस ओपन करने की ज़रूरत है और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करने की ज़रूरत है। साथ में ये जो मेडिकल एजुकेशन है उसको थोड़ा सस्ता भी करना पड़ेगा, क्योंकि चीपर होने की वजह से ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया छोड़ के बाहर जा कर के मेडिकल MBBS के कोर्सेज करके आते हैं। तो इस केस में अपने आप में एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है ज़रूरी कम करना ही, मतलब महंगाई कम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आगे अगर हम नज़र डालें पेज नंबर 6 पे एक न्यूज़ है यहाँ पर कि जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, जो कि यूक्रेन में अभी वॉर की वजह से अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बेसिकली क्या होता है, जब मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद में 12 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है, मतलब एक तरीके की ट्रेनिंग करनी होती है। तो वहाँ पर जिन मेडिकल ग्रेजुएट्स की इंटर्नशिप चल रही थी और ये जो रशियन इन्वेजन हुआ इसके बाद में उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने ये अभी अनाउंस किया है कि जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, MBBS की जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई है, अब उनकी जो इंटर्नशिप है चाहे वो 1 महीने की बची हो, 2 साल की, मतलब 6 महीने की बची हो, 5 महीने की बची हो, जितनी भी होगी, या फिर जिनकी इंटर्नशिप स्टार्ट ही होनी थी पूरे 12 महीनों की, अब वो इंडिया में अपनी इंटर्नशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक यहाँ पर अपनी तरफ से नेशनल मेडिकल कमीशन ने अनाउंस की है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में आप थोड़ा बहुत एक बार UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या चेंजेस लाए गए थे, कौन सा लॉ था, कब पारित हुआ, वो सारी डिटेल एक बार NMC की UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर पढ़ोगे। इसके आगे अगर देखें हम, फिर अगर हम ओपिनियन पेज की बात करें तो पी चिदम्बरम जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, हु वॉन्ट्स अ टफ लीडर। देखो यहाँ पर इन्होंने शुरुआत तो इससे की है कि हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू जी से लीडरशिप की शुरुआत होती है इंडिपेंडेंस के बाद की, अगर हम बात करें एज ए प्राइम मिनिस्टर। और इसके आगे अगर हम देखें तो इनका ये कहना है कि शुरुआत हमारे यहाँ पर लिबरल लीडर्स से हुई। फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू जी की बात ये कर रहे हैं कि इनके साथ में टोटल 5 ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था। अब आपको पंचशील एग्रीमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ना है, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ था ना उस मूवमेंट में पंचशील 5 pronged एक स्ट्रेटजी थी कि कैसे हम एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं हमारे इस दुनिया की जितने भी ह्यूमैनिटी है उसको, और एक शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि वो टाइम था जब USA और USSR की लीडरशिप में पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 धड़ों में डिवाइडेड था। कोल्ड वॉर पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, USA और USSR दोनों के। तो उस टाइम पर एक नया कॉन्सेप्ट देने की बात की गई थी, तो उसमें पंचशील का कॉन्सेप्ट जो लाया गया था उसमें एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, बाकी इसके अलावा जो क्वामे नकुरमा, इसके अलावा जोसेफ ब्रॉन्स टीटो या गमेल अब्दुल नासिर या सुकर्णो, ये वो लीडर्स हैं
जिन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया था नैम में शुरुआती टाइम पे। ऐसे में 5 कंट्रीज थे नैम को प्रमोट करने वाले, जिसमें एक था घाना, एक था इंडोनेशिया, एक था इजिप्ट, एक था यूगोस्लाविया और एक कंट्री बच गया जो है यूगोस्लाविया। तो ऐसे में घाना, इजिप्ट, इंडिया और इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया, ऐसे 5 कंट्रीज थे। इन 5ों कंट्रीज के, इन 5ों लीडर्स ने अपनी एक ऐसी लेगेसी स्टार्ट की थी कि जिसमें हम कैसे एक लिबरल लीडर होते हुए हमारे लोगों को अच्छी ज़िंदगी दे सकें। पर टाइम बीतने के साथ साथ में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी को छोड़ के बोले 4 लीडर्स जो थे वो टफ लीडर्स में कन्वर्ट हो गए। मतलब उन्होंने इस तरीके से कदम उठाए जिसकी वजह से आप मानो कि डेमोक्रेसी का उन्होंने मर्डर कर दिया हो। ठीक है, तो ऐसे में एक तरफ तो हम एक वाइज या जेंटल पर्सनालिटी की बात करें और दूसरी तरफ अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं यूपी के इलेक्शंस के टाइम पे, तो उसमें ज़्यादातर बातें की जा रही हैं कि एक टफ लीडर की ज़रूरत है हमें। तो राइटर जो हैं पी चिदम्बरम जी, वो ये कहते हैं कि आज के वक्त में अगर आज की सिचुएशन में अगर हम नज़र डालें ना पूरी दुनिया में, तो कुछ ही लीडर्स ऐसे हैं जो कि हम जिनको जेंटल या वाइज बोल सकते हैं। जैसे कि एक तो नेल्सन मंडेला, जिनका डिमाइस हो गया, वैसे तो ये गांधीयन फिलॉसफी पे चलने वाले इंडिविजुअल थे। इसके अलावा जर्मन चांसलर, फॉर्मर जनरल चांसलर एंजेला मॉर्केल हो गई, या प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा एडर्न न्यूजीलैंड की, या फिर प्राइम मिनिस्टर मार्क रुटे नेदरलैंड्स। तो बोले ये कुछ लीडर्स मुझे दिखते हैं जो कि मेरे हिसाब से वाइज, समझदार और जेंटल हैं। बाकी जो है वो टफनेस की तरफ ज़्यादा मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का तो लेवल ही अलग है। ठीक है, तो ऐसे में ये अटैक जो किया जा रहा, नहीं है जो पॉइंट, ये पॉलिटिकल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे। ठीक है, तो मेन तो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, और आपको पंचशील के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ थे जिनके ऊपर हमारे देश ने कंटिन्यू किया था जब तक जवाहरलाल नेहरू जी थे, कि भाई हमें कैसे म्यूचुअली हमें एक दूसरे कंट्रीज़ को कैसे रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वो बात ठीक है कि पंचशील की पॉलिसी पे चलने के बाद में हिंदू चीनी भाई भाई का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था और उसका धोखा भी मिला था हमें 1962 में, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमने, हमारा जो एक आइडिया है इंडिया पीस लविंग कंट्री, तो वो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप से ही निकल के आता है। तो ये चीज़ यहाँ से कुछ पॉइंट थे वो हमने देखे। आगे चलते हैं वर्ल्ड पीस की अगर हम बात करें, तो देखो इसमें मेन तो यही है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को ब्लेम कर रहे हैं पुतिन कि आप जिस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो यूक्रेन को, या फिर जिस तरीके से आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हो, तो ये मान के चलो कि वॉर की वजह भी आप ही हो। तो ये एक सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में पहली बार ऐसा है कि यूरोप से इतना ज़्यादा स्पीड से माइग्रेशन या फिर रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं मजबूरन अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में शेल्टर ले रहे हैं। इसके आगे जिस तरीके से यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है ना, इसको देखते हुए चाइना ने देखो अपना जीडीपी का लगभग 7.1% जो है वो डिफेंस पे खर्च करने का टारगेट रख लिया है। वैसे तो बजट में अनाउंस किया था 5.5%, बट अब इसको और ज़्यादा राइज करने की बात कर दी गई है चाइना के द्वारा। इसके लिए कारण क्या बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है अपने 3-4 फ्रंट्स को लेकर। एक तो ताइवान को लेकर, दूसरा अगर साउथ चाइना सी की बात करें, और तीसरा अगर आप देख सकते हो कि चाइना ने जिस तरीके से साउथ चाइना सी वाले एरिया में अपनी क्लेम डाल रखी है, या फिर ईस्ट चाइना सी में अपने जो आइलैंड्स रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, ये है जी, ये जी हमारे हैं ये, तो उनकी क्लेम कर रहा है। और इसके अलावा इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसे में चाइना के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है ना, उनसे संबंधित हम एक मैप को अच्छे से समझते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा हमारा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं साउथ चाइना सी वाले एरिया में। यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ चाइना सी में एक तो स्पॉटले आइलैंड्स का ग्रुप और एक ये है पार्सल आइलैंड्स का ग्रुप। अब ये जो है साउथ चाइना सी में चाइना क्लेम कर रहा है ये हमारे हैं, जबकि दूसरी तरफ वियतनाम, इधर देख सकते हो फिलीपींस, और नीचे देख सकते हो मलेशिया, ये कंट्रीज है, ये कहते हैं कि भाई इन कंट्रीज़ पे चाइना का कोई क्लेम है नहीं, इन पर एक तरीके से अलग अलग कंट्रीज़, इनका अपने आप में डिवीज़न है। अब चाइना का ये भी कहना है कि साउथ चाइना सी है वो बोला हमारी एंशियंट लेक है, यहाँ पर दूसरे किसी कंट्री की क्लेम नहीं हो सकती। तो इस मैप को आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। इधर ये आ गया ताइवान भी साथ में लगे हाथी, तो ताइवान पर भी चाइना जो है क्लेम करता है, बोला ताइवान जो है वो ताइवान जो है वो चाइना का इंटीग्रेटेड पार्ट है, नंबर 1। दूसरा, वन चाइना पॉलिसी जो है
उसके तहत ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ भी चलती रहती है, और चाइना के फाइटर जेट्स का भी देखा गया, नोटिस किया गया था, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, जिस तरीके से यूक्रेन में रशिया ने इन्वेड किया तो चाइना के फाइटर जेट्स को भी देखा गया था ताइवान के एयर स्पेस में, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके आगे इंडिया के साथ में जो डिस्प्यूट है वो आपको पता ही है, इधर लद्दाख वाले एरिया में, और फिर इधर भी देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में भी लगातार कहीं ना कहीं चाइनीज़ मिलिट्री है वो इधर मूव करती हुई दिखाई देती है या क्लेम करती है। और ईस्टर्न लद्दाख का स्टैंड ऑफ आपको पता ही है, पिछले 2 साल से लगातार चलता आ रहा है। इसके आगे ईस्ट चाइना सी में यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं उनको लेकर के भी डिस्प्यूट है चाइना का जापान के साथ में। और ईस्ट चाइना सी में जो डिस्प्यूट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, डिस्प्यूटेड आइलैंड यहाँ पर है ये, ठीक है। ये है एक तो सेंकाकू, नाम तो एक, मतलब आइलैंड तो एक ही है पर नाम अलग अलग है, ठीक है। इन्हीं को सेंकाकू आइलैंड भी बोल दिया जाता है, इन्हीं को दयाऊ, ठीक है, दयाऊ, ये आइलैंड्स के नाम जाने जाते हैं। तो इसको लेकर के भी चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है जापान ताइवान इनके साथ में। इसके आगे अगर हम देखें, कल जो पाकिस्तान के शहर पेशावर में जो अटैक हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट, उसमें अभी तक 63 लोगों की डेथ हो चुकी है, 200 से ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे में ये एक शिया मॉस्क पे अटैक था, और अटैक का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस ISKP, जिसने तालिबान के नाक में दम कर रखा है, उसी ने क्लेम किया है कि हमने अटैक किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे में शिया सुन्नी जो कॉन्सेप्ट है उस पे, या जो ये डिवीज़न है इस्लाम में, इसकी वजह से ये मासूमों की वहाँ पर जान गई है, ठीक है। इसके आगे नॉर्थ कोरिया भी भाई अपनी जो आर्सेनल है उसको राइज करता चला जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर दिया उसने फिर से। एरिया वही ईस्ट चाइना सी वाला एरिया है ना, जहाँ पे जो कोरियन पेनिनसुला है इधर जापान वाला, तो इसके बीच में जो वाटर्स लोकेटेड है जापान सी और ये, वहाँ पर वो उसने टेस्टिंग की है नॉर्थ कोरिया ने। इसके आगे अगर देखें इकोनॉमी पेज पर अगर हम नज़र डालें तो वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कल मैंने बताई दिया था आपको, एक बार पढ़ना है। और जिस तरीके से ये रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, तो उसके बाद में जिस तरीके सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया है उसकी वजह से महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये चीज़ हमने एक्सप्लेन पेज में पहले ही डिस्कस कर ली थी, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ और आई बटन में भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको ईजिली वो मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे में देखो इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिए, बाकी इतना कुछ ज़्यादा आस्था नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और आज एक लाइव सेशन भी करूँगा, वो आप अगर आप अटेंड करना चाहो तो शाम को कर लेना, जिसमें मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो पेड कोर्सेज स्टार्ट करने वाला हूँ उसकी बात करूँगा। और ये पेड कोर्स 21 मार्च से शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 18 मार्च, ठीक है। तो वो सारी डिटेल और हम डिस्कस कर लेंगे लाइव सेशन में आज शाम को, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।